अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं तवसल किचन और मैं हूं तजम्मल हुसैन। उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार स्नैक्स, पोटैटो के क्रंची जो है वो स्नैक्स हम तैयार करेंगे। फ्राइज जो है अमूमन आपके आपने देखा होगा कि बड़े सॉगी टाइप से बनते हैं, जल्दी जो है वो बिल्कुल ढीले डाले हो जाते हैं। लेकिन आज जो स्टाइल मैं आपको बताऊंगा या जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगा उसके जो उससे जो है आपके फ्राइज जो है वो आपके क्रंची और बेहतरीन होंगे इंशाल्लाह ताला। आप इसे ट्राई करेंगे आपको मज़ा आएगा। तो क्रंची फ्राइज बनाने के लिए मैंने 3 अदद आलू ले लिए हैं बड़े साइज़ के। इनको मैंने पानी के अंदर डाल दिया। इनको सबसे पहले मैं बॉयल करूँगा। बॉयल करने के बाद फिर इनके स्नैक्स जो हैं वो हम आगे तैयार करेंगे। मैंने एक अदद जो है ये जारी दी है, इस टाइप की आटे जिससे छाना जाता है या मैदा वगैरह जिससे आप छानते हैं उस तरह की एक जाली दे दी है। इसको सबसे पहले जो है आलू को बॉईल करके इनका छिलका उतार के इस जाली में से एक दफ़ा गुजारेंगे, इनके बिल्कुल जो है फाइन सी एक पेस्ट जो है वो तैयार कर लेंगे। तो आलू बॉईल होने तक हम वेट करते हैं, फिर आपसे मुलाकात। अच्छा जी, आलू हमारे जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब इसके ऊपर से जो छिलका है वो हमें उतार देना है। रखना दें, गर्म है अभी, ग्लव्स की वजह से अभी महसूस नहीं हो रहे। बड़ी आसानी के साथ जो इसका छिलका है वो उतर जाएगा। तीनों का पहले छिलका जो है वो उतार लें, उसके बाद इसका नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। अच्छा, आप छुरी से नाम भी उतारना चाहें, दरमियान से इस तरीके के साथ इसके छिलके को जो है वो कट लगा लें। कट लगाने के बाद हाथों की मदद से इस तरीके से छिलका को उतार सकते हैं। इस साइड से ऐसे पकड़ना, छिलके न उतरना। बड़ा आसानी से छिलका जो है वो उतर जाता है इसके ऊपर से। हल्का रह जाए उसको हाथों की मदद से आपने नाखन के साथ उतार लेना। अच्छा जी, छिलके उतार लिए। मैंने एक बड़े साइज का बाउल ले लिया, ये बाउल को इसके ऊपर रख लेना और इस छाननी की मदद से इस जाली से आपने सारे आलू जो है वो गुजारने। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इससे आपकी जो बेहतरीन पेस्ट है वो आपके सामने आएगी। पहले हाथों की मदद से इसे ऐसे गुजार लें। अगर हाथों की मदद से नहीं गुजरता तो आपने किसी भी चमचे वगैरह का जो है वो इस्तेमाल करना है, उसके साथ आसानी से जो है इसके अंदर से गुजर जाए। एक लकड़ी का चमचा मैंने ले लिया, इसकी मदद से इसे दबा के यहाँ से गुजार लेना। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोसेस को लेकिन इससे पेस्ट जो है वो आपका फाइन तैयार होगा। मैं इससे गुजार के फिर आपको जो है वो चेक करवाता हूँ कि कैसा हमारा पेस्ट जो है वो तैयार होगा। ये नीचे से ना बड़ा आसानी से निकल आता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इस कंडीशन में। सारे आलू इस जाली से हमने गुजार लिए, इस कंडीशन से साइड से निकलते हैं, बैक साइड से। ये देखिए बिल्कुल बारीक हो गए जो है वो साइडों से निकले, बिल्कुल फाइन सी पेस्ट इसकी तैयार होगी। और इस चमचे की मदद से आप इसे उतार लेंगे। एक दफ़ा फिर जो है इसी तरीके के साथ चमचा जो है उतार लेंगे ताकि जो हमारा ऊपर मसाला रह गया वो भी इसमें से गुजर जाए। हाफ टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर नमक ऐड कर लेंगे। रस्म की जरूरत आपने नमक ऐड करना है। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आपने नमक और ऐड कर लें। पहले जो है वो ज़्यादा इसके अंदर नहीं ऐड कर देना। हाफ टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर वाइट पेपर ऐड करने फ्लेवर देने के लिए। गार्लिक पाउडर हाफ टेबल स्पून, जिंजर पाउडर हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला इसके अंदर ऐड करना। एक स्पिन जो है वो फ्राइड जीरा इसके अंदर ऐड कर देना, इससे खुशबू बेहतरीन आएगी इसकी। और लास्ट पे सबसे मेन चीज़ जो है जो इसके अंदर क्रंचीनेस पैदा करेगा, जिससे हमारे बेहतरीन जो है वो बनेंगे, क्रंच इनके अंदर पैदा होगा, वो है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जो है, अंदाजे के साथ आपने कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड कर देना। उसके बाद इसकी एक थिक सी डो जो है वो तैयार कर लेंगे। हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, थिक सी इसकी डो तैयार करेंगे। उसके बाद इसके अगला प्रोसेस फ्राइज, इससे हमारे जो है वो सोगी सोगी नीचे बनेंगे, इसके जो है ना खिले खिले और बेहतरीन जो है क्रंची क्रंची जो है वो बनेंगे ये कॉर्नफ्लोर की वजह से। ऐसे अगर आप फ्राइज बनाते हैं तो वो जल्दी जो है वो ढीले पड़ जाते हैं। तो इससे आप जितनी देर भी इसे रखेंगे ये इंशाल्लाह ताला आपके उसी तरीके से फ्रेश और क्रंची जो है वो बनेंगे। आटे की तरह जो है इसे आपने गूंद लेना, शीट के ऊपर मैंने डाल दिया। ये बेहतरीन सी डो जो है वो हमारी तैयार होगी। आप देखें ये हाथों के साथ चिपक नहीं रहा, ये बेहतरीन जो है वो तैयार हो चुका है। और इसे आपने कोशिश करनी है इसके जल्दी जो है वो फ्राइज आपने तैयार कर देने ताकि ये बाद में हार्ड ना हो जाए। ये देखिए ये चीज़ तैयार करके छुरी की मदद से आपने इसमें कट लगा लेना है। ये पीसेस हमारे बन गए, बेक पीस ले लेना, उसका गोल साइज तरीके से पेड़ा बना के
हाथों की मदद से बेहतरीन जो है उसे बेल लेना, बेलने की मदद से उसे बेल के, ये देखिए ये हमारा पेड़ा टाइप बन गया। अब नेक्स्ट जो है इसको आपने बेल लेना है, इसकी एक छोटी सी रोटी जो है वो आपने तैयार कर देनी, इतनी छोटी तैयार करनी है कि उसमें से आपके फ्राइज जो है वो बेहतरीन जो बन सके, उनका साइज जो है वो ज़्यादा छोटा ना हो। हल्के हाथ से जो है वो इसे आपने बेल लेना, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना ताकि ये टूटे ना माना, बस इतनी सी जो रोटी है वो आपने बना लेनी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, और फिर इसको जो है वो कट लगा देना ठीक के साथ, जितने साइज के आपने फ्राइज रखने हैं उस साइज का आपने इसे कट लगा लेना, जो आपके बड़े होंगे उनके दरमियान में से बेशक आप कट लगा दीजिएगा, लेकिन पहले इनको साइड पे करके एक एक उठा के प्यार से तरतीब के साथ उसके अंदर जो है वो आपने ऐड करने ताकि हमारे टूटे ना। उसके बाद जो बड़े फ्राइज होंगे उनको दरमियान में से कट लगा देंगे। अच्छा जी, मैंने एक कढ़ाई के अंदर घी को ऐड कर दिया, घी तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर अपने फ्राइज जो है वो ऐड करेंगे, क्योंकि एक एक को अलग अलग हमें ऐड करना है, तो आराम आराम से आपने आस्ता आस्ता इसके अंदर सारे फ्राइज जो है वो ऐड कर लेने ताकि आपके फ्राइज टूटे ना। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन इंशाल्लाह आपके मजे के फ्राइज जो है वो तैयार होंगे। फ्लेम को आपने मीडियम में रखना है, मैं आस्ता आस्ता सारे जो है वो ऐड कर लेता हूं। मैंने तकरीबन एक पेड़े के जो बनाए थे वो इसके अंदर ऐड कर लिए, बाकी साथ साथ जो है वो बना लेता हूँ अल्लाह रहमान रहीम, तब तक ये जो है अच्छे से फ्राई हो जाता है। आप इनके डिफरेंट शेप के जो है वो बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी शेप में बनाएं, कोई भी शेप इसे दे सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। याद इनकी ये करनी है कि ये जले ना, साइड अगर चेंज होने वाली हो तो साइड आपने चेंज कर देनी। इनकी कोई दूसरी शेप जो है ना वो बना के वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ, फिर शेप में बनाएंगे तो कितने मजे के बनेंगे। इसे जो है वो मैं तीन डिफरेंट शेप के अंदर जो है बना रहा हूँ, ये गोल शेप के अंदर है, और एक छोटी टिक्की टाइप के अंदर बनाएंगे, और एक जो फ्राइज जो है उस शेप में। आप कोई भी शेप इसके अंदर दे सकते हैं, बड़े साइज की टिक्की जो है वो भी बना सकते हैं। मैंने इसकी जस्ट जो तीन शेप हैं वो दी हैं, इसी शेप में तैयार करके फिर आपसे मिलता हूँ। एक मैंने इस शेप में बनाई है, ये कोई भी प्लास्टिक की बॉटल है उसके ढक्कन के साथ आप बना सकते हैं, अपना जो आपके पास बैटर पड़ा है या पेस्ट आपने बना कर रखी हुई है उसकी मदद से एक पेड़ा सा बना लें, एक रोटी टाइप बना के उसके अंदर ये पीसेस लगा के उसको कट में कन्वर्ट करके आप बना सकते हैं। ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए इतने मज़ेदार जो हैं वो लग रहे हैं, कंडीशन इनके देखें। और मैं भी आपको इनका क्रंच जो है वो चेक करवाता हूँ। मैंने तीन शेप में इसको बनाया, ये गोल शेप है, ये फ्राइज की शेप है, ये जो लॉन्ग शेप में आपको नज़र आ रहे हैं, और ये छोटी सी टिक्की की शेप मैंने बनाई है। और ये ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो इसका जो है वो गोल कप्पा टाइप जो है वो बन जाएगा। अब ये देखिए ये चीज़ आप ये देखिए क्रंच आप इसका चेक करें, ये बिल्कुल जो है ढीले ढीले आपके नहीं बनेंगे, बड़े क्रंची बनेंगे। और ज़रा इसका साउंड जो है वो आप चेक करें, ये देख आपको महसूस हो रहा होगा, ये देखिए बेहतरीन जो है वो तैयार हो गया। और ये गोल शेप वाले देखें ज़रा, ये देखिए बिल्कुल भी जो वो जो चीज़ होती है ना एक बिल्कुल ढीले हो जाते हैं और पड़े पड़े जो है वो अजीब सी इसकी शेप हो जाती है, लेकिन उस शेप में नहीं है। आप इसको तकरीबन बनाए हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं, ये अभी ठंडे हो चुके हैं, और तब भी इसकी ये कंडीशन है, क्रंच इसका देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है वो तैयार हुए। आप इस तरीके के साथ जो है ये स्नैक्स बनाएं कि फ्राइज ज़बरदस्त बनेंगे और क्रंची बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। हमें अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा, रेसिपी को जो है वो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके ये जो फ्राइज मैंने बनाए हैं ये आपके ख़राब नहीं होंगे, बड़े मज़े के जो है वो तैयार होंगे। हमें दुआ में याद रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।